आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश में कोरोना के 13,681 नए मरीज मिले हैं और संक्रमण की दर 5.70% हो गई है, जबकि प्रदेश में कुल 57,355 एक्टिव केस हैं। इनमें से 98% मरीज होम आइसोलेशन में है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,39,741 सैंपलों की जांच की गई है, जबकि 700 लोगों में कोरोना को मात दी है। वहीं जबकि 3 संक्रमितों की मौत भी हुई है। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। टेस्टिंग की संख्या को बढ़ा दिया गया है। 700 लोगों ने कोरोना को मात दी है, स्वस्थ होकर घर गए हैं और 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। तो 24 घंटे के कोरोना के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं प्रदेश के, जहां लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीते 24 घंटे में 2,39,771 नए मामले सामने आए हैं। तो बड़ी संख्या में सैंपल लिए गए। 24 घंटे में 2,39,771 सैंपलों की जांच की गई है। 700 लोग कोरोना को हरा कर ठीक हुए हैं और जो है 5.70% संक्रमण की दर हो गई। प्रदेश में 13,681 नए मामले सामने आए हैं। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 13,681 नए मरीज मिले हैं, तो कोरोना की जो दर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरह से पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें तो ये जो संक्रमण रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि पहले आंकड़ा 900 के करीब पहुंचा, फिर 1,000 और फिर 1,500 और अब पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो लगभग 2,000 के ऊपर राजधानी लखनऊ का जो मामला है ये पहुंच चुका है। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 13,000 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं। और पूरे अगर भारत देश की बात करें तो लगभग 2,00,000 से ऊपर बीते 24 घंटे में मामले सामने आ चुके हैं, जो भी काफी चिंताजनक है। जो जिस तरह से ये आंकड़े हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है। जी जी, और जिस तरह से कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है पूरे देश से, वही बात कर प्रदेश में तो 3 संक्रमितों की मौत भी हुई है, तो क्या ये पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे जिसकी वजह से इनके ऊपर कोरोना ज्यादा हावी हो गया? जी शिखा, बिल्कुल साफ तौर से जो मृत्यु दर है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कम है। और जैसा कि बीते दिनों भी देखा गया कि अगर हम परसों की बात करें तो लगभग चार जो मरीज थे उत्तर प्रदेश में, उनकी मृत्यु हुई थी। और कल की बात करें तो परसों की बात करें तो 5, उसके बाद जो बीते 24 घंटों की बात करें तो 3 मरीजों की संख्या, तो कहीं ना कहीं ये पहले से भी किसी बीमारी से ग्रसित थे और उसके बाद इनमें कोरोना के थोड़े से लक्षण पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना की तीसरी लहर है, जो ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसका संक्रमण जरूर तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके जो लक्षण हैं, जो पेशेंट हैं जिनके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए जा रहे हैं, वो इतने ज्यादा खतरनाक लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधा लंग्स पे अटैक नहीं कर रहा है और ये नॉर्मली हल्के फीवर वायरल की तरह ये आ रहा है और लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मृत्यु दर है वो इतनी ज्यादा भयावह नहीं है, लोगों को हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ रहा है, जिससे स्थिति काफी अंडर कंट्रोल है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और बीते रविवार भी उन्होंने जो राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और आज शाम लगभग 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और पूरी जो कोरोना के मामलों को लेकर उसकी समीक्षा करेंगे और क्या कुछ निर्देश देते हैं राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री को, यह देखने वाली बात होगी और किस तरह से सख्ती से निर्देश देते हैं यह देखने वाली बात होगी। जी, 700 मामले सामने आए हैं जिन लोगों ने कोरोना को हराया है और रिकवर हुए हैं, तो रिकवरी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, क्या कहेंगे? इतना समय क्यों लग रहा है या फिर कम आंकड़े क्यों सामने आ रहे हैं रिकवरी के? बिल्कुल शिखा, जैसा कि जो इस बार जब जो पॉजिटिव रेट आ रहे हैं, उसके बाद जब कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आता है तो फिर उसका टेस्ट जीनोम सिक्वेंसिंग होने के लिए उसका जो सैंपल है वो जाता है और उसकी जो रिपोर्ट है वो लगभग 3 से 4 दिन में या 5 कह सकते हैं 5 दिन में उसकी रिपोर्ट्स आती हैं। तो उस दौरान जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में ही रहता है और उसके बाद अगर उसके अंदर जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट के बाद उसके अंदर ओमिक्रॉन के जरा से भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है, तो उसके बाद भी कुछ समय लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है रिकवरी रेट का। लेकिन फिलहाल
जो भी लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं इस वेव में, वो इतने ज्यादा गंभीर रूप से नहीं वो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वायरस संक्रमण तो जरूर फैल रहा है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो काफी कम है। लोग इतना ज्यादा सिर्फ हल्के ही सिम्टम से लोग कोरोना से प्रभावित हैं, लेकिन उतना ज्यादा खतरनाक ये जो तीसरी लहर है वो अभी फिलहाल नहीं है। जी अजहर, जिस तरह से इस बार कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत माइल्ड हैं और हल्के फुल्के लक्षण हैं और हल्की फुल्की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, तो अब कितना समय लग रहा है रिकवर होने में लोगों को? जी बिल्कुल, साफ तौर से 3 से 4 दिन में लोग रिकवर हुए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बदलता जो मौसम है, ये एनवायरमेंटल चेंज है, जैसा कि जब सर्दी का मौसम, जो आप इस जनवरी की बात करें तो जो ठंड का मौसम है ये विंटर पीक पर है, इस पे लोग लगातार जो है वो टाइफाइड का भी शिकार होते हैं और तमाम जो मौसमी बीमारी है उसका भी शिकार होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में लोग नजले जुकाम के शिकार हो ही रहे लगभग लगातार। अगर हम देखा जाए तो ज्यादातर लोग जो है उनको नजला जुकाम, वायरल और टाइफाइड जैसी तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो होती नजर आ रही है, और ऐसे में जब उनकी कोरोना टेस्टिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे भी काफी मरीज हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनमें ओमिक्रॉन वेरियंट नहीं पाया जा रहा है और वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उनमें नॉर्मली टाइफाइड फ्लू जैसी तमाम चीजें हैं। तो फिलहाल अभी ये इस तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले समय में कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, लेकिन फिलहाल जो माइल्ड सिम्टम्स है लोगों में, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर काम कर रही हैं, अलर्ट हो गई हैं। जिस तरह से तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है और लगातार कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से भी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, लोग मास्क का पालन करें। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके जिनको लेकर जिनको ध्यान में रखते हुए सख्त दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि अब एक बड़े प्रदेश में भी मंत्रियों और विधायकों ने बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, यूपी में ये शुरुआत है और ये होता रहेगा। शिवसेना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के मैदान में उतरने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और दावा किया है कि शिवसेना उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में अब शिवसेना उतरने जा रही है और ये बात भी कही है कि वो 50 से 100 सीटें लड़ेगी और अब बड़े बदलाव की बात भी कही है, बीजेपी पर निशाना भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि अब एक बड़े प्रदेश में भी मंत्रियों और विधायकों ने बड़ी बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है और यूपी में ये शुरुआत है और ये होता रहेगा। इसी खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरह से शिवसेना की तरफ से बयान सामने आया है कि बीजेपी से दूरी बना रहे हैं कुछ नेता, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से संजय रावत, शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय रावत ने ये कहा है कि जिस तरह से सभी विपक्षी दल हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से और तमाम जो 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने उनमें सफाया करना होगा। तो संजय रावत कहीं ना कहीं बीते दिनों काफी हमलावर होते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और उन्होंने विपक्षी दलों को, समाजवादी पार्टी को भी इस बात के लिए कहा है कि वो चुनाव तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर लड़े। और खास तौर पे शिखा आपको बता दे, जो एनसीपी है, एनसीपी मुखिया शरद पवार भी इन दिनों चर्चा में है और वो उत्तर प्रदेश आकर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की बात भी कहीं ना कहीं ये बात होती भी नजर आ रही है। तो शिवसेना संजय रावत का जो साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से हम लोग पूरे गठबंधन के साथ, हो सकता है 100 से 50 सीटों पे चुनाव लड़े आगामी 2022 के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इससे मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि शिवसेना साल 2019 से पहले ये एनडीए अलायंस का एक हिस्सा रही है और लगभग बीते 35 सालों से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ती चली आई है, और 2019 के बाद जो अलग हुई है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से, तो इसके बाद ये लगातार एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ जुड़ी है। और अगर हम गोवा की बात करें, गोवा में भी इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें गोवा भी इनमें से एक है, और इन्हीं दिनों गोवा में भी चुनाव होने हैं, और गोवा में साफ तौर से संजय रावत का कहना है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में वहां पे चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। जी अजहर, इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी कहां दिख रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की जो बात सामने आ रही है, तो उसमें उनकी कितनी सीटें आ सकती हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी एक देखा जा रहा है कि वो किस तरह से बयानबाजी करते नजर आते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आते हैं, और जो मुस्लिम बहुल जो वोट है उनको अपनी तरफ करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए वो लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी लोग जागरूक हो गए हैं और जिस तरह की राजनीति असदुद्दीन अवैसी करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो गए हैं, और जिस तरह से उन्होंने बिहार में जो उनका प्रदर्शन रहा उससे काफी हट के प्रदर्शन रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में, और उतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं रहेगा जैसा कि बिहार चुनाव में देखा गया। असदुद्दीन अवैसी ने लगभग 4-5 सीटें लेकर आए थे, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ का जो चुनावी समीकरण है ये बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे जातीय समीकरण पे जो चुनाव होता है, और तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको जरूर लुभाने में लगे हुए हैं, लेकिन उतना ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, तो अगर मुस्लिम समुदाय का वोट इन तमाम जो राजनीतिक दल है उसमें बढ़ता नजर आ रहा है, और असदुद्दीन अवैसी फिलहाल अभी इस रेस में बहुत पीछे है। जी असर, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा धर्म और जाति के आधार पर ही होती है, विकास के मुद्दे काफी कम देखने को मिलते हैं। इस बार भी यही देखने को मिल रहा है, दलित पिछड़ों को साथ ही जो है अल्पसंख्यकों को लेकर कई दल चल रहे हैं, वो तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व को लेकर चल रही है। अगर शिवसेना यहाँ आती है तो बीजेपी के खाते से कितने वोट कम हो सकते हैं? शिवसेना भी लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लौटी आई है, और बीजेपी भी हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लौटी आई है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो जरूर कहीं ना कहीं बटेगा, और जो वोट है शिवसेना अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि संयोगी पार्टी रही है और उसके बाद इस तरह से अलग हो जाना और उत्तर प्रदेश में शिवसेना का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देखना पड़ सकता है। जी जी अजहर, जिस तरह से ये मामला सामने आता रहा है और ओवैसी पे कई आरोप भी लगे हैं विपक्ष की तरफ से कि वो विपक्षी दलों के वोट काटते हैं, और इसी तरह से जब शिवसेना उतर रही है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा आरोप क्या उनके ऊपर भी लग सकता है? जी बिल्कुल, साफ तौर से शिखा, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी, जैसा कि कहा जाता है कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो मुस्लिम और दलितों का जो वोट बैंक है वो एक पक्का वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, और वैसे ही अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो जो ब्राह्मण वोट है और जो ठाकुर वोट है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी के एंट्री करने के बाद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है वो थोड़ा सा कटेगा और थोड़ा सा बटेगा, उससे समाजवादी पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचेगा। इसी तरह से जिस तरह से संजय रावत उत्तर प्रदेश में संजय रावत ने एंट्री करी है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर खान जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर जिस तरह से ओवैसी कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से आरोप लगता है उस तरह से शिवसेना के ऊपर भी आरोप लग सकता है, क्योंकि जो एजेंडा चल रहा है और काफी दिलचस्प होता जा रहा है 2022 का चुनाव, क्योंकि इसमें भी धर्म जाति को लेकर जो चुनाव समीकरण देखने को मिल रहे हैं वो काफी अहम नजर आ रहे हैं और काफी रोमांचक भी नजर आ रहे हैं। आया है उत्तर प्रदेश में अब शिवसेना चुनाव लड़ेगी, और इतना ही नहीं बड़ी सीटों पे यानी 50 से 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। हालांकि इससे पहले यूपी से चुनाव नहीं लड़ा है शिवसेना ने, इसलिए काफी ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ असर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि जो हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी उस पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना का भी जो एजेंडा है जो धर्म को लेकर चलती है और हिंदुत्व की बात करती है, इससे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को जरूर फर्क पड़ सकता है। क्योंकि अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में काफी अच्छी पकड़ है
शिवसेना की, और अब जब उत्तर प्रदेश में ये पार्टी उतरने जा रही है तो काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है चुनाव, जहां इस बार कई ऐसी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में उतरने जा रही हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को निर्देश, कोरोना को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम ने विशेष सावधानी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश, प्रयागराज में मकर संक्रांति पर स्नान पर्व को लेकर अपील। बुखार जुकाम वाले श्रद्धालु आयोजन में शामिल ना हो, सीएम ने की अपील, वैक्सीन ना लगवाने वाले श्रद्धालु स्नान में शामिल ना हो। पर्व पूर्ण रूप से सुरक्षित कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को निर्देश। बड़ी खबर सामने आ रही कोरोना को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम ने विशेष सावधानी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश, प्रयागराज में मकर संक्रांति पर स्नान पर्व को लेकर जारी किए निर्देश। बुखार जुकाम वाले श्रद्धालु आयोजन में शामिल ना हो की अपील, वैक्सीन न लगाने वाले श्रद्धालु स्नान में शामिल ना हो, सीएम ने अपील की। पर्व पूर्ण रूप से सुरक्षित कराने में प्रतिबद्ध, सीएम योगी ने कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को निर्देश, कोरोना को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम ने विशेष सावधानी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश, प्रयागराज में मकर संक्रांति पर स्नान पर्व को लेकर अपील। बुखार जुकाम वाले श्रद्धालु आयोजन में शामिल ना हो, सीएम ने अपील की, वैक्सीन ना लगवाने वाले श्रद्धालु स्नान में शामिल ना हो। पर्व पूर्ण रूप से सुरक्षित कराने के लिए प्रतिबद्ध, सीएम योगी ने कहा। बातचीत के लिए हमारी सहयोगी श्वेता जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, आस्था को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने पर्व पर स्नान की अनुमति दे दी है, लेकिन इससे कोरोना का प्रसार कितना हो सकता है? देखिए, इस पे कोरोना का प्रसार तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, उस पे खतरे की बात तो बनी हुई है, लेकिन फिलहाल श्रद्धा भी अपनी एक जगह पर है, तो उस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने नहान पर परमिशन तो मिली है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी किसी तरीके से संक्रमित दिखता है, अगर कुछ खांसी बुखार या जुकाम जैसा अगर कोई भी सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहा है, तो वो लोग इस नहान से परहेज करें, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर इस तरीके से किया जाए तो हम कोरोना को रोकने से रोक सकते हैं। श्वेता, जिस तरह से इससे पहले हमने कुंभ की तस्वीरें देखी थी, उस समय भी कई ऐसी अपील करी गई थी, लेकिन इंतजाम भी करे गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसका पालन नहीं हो पाया था सही से। लाखों की भीड़ देखने को मिली थी, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचे और एक बड़ा कोरोना विस्फोट भी हुआ था, तो क्या इस बार जो सीएम द्वारा अपील की गई है उसका पालन करेगी जनता? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा निर्देश दिए गए हैं, उसके चलते वहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि उसका पालन कितना किया जा रहा है। जहाँ तक है कि इस तरीके से जो पालन नहीं करेंगे उन पे जुर्माने का भी निर्देश दिया गया है, कि इस तरीके से निर्देश भी दिए जाएंगे, ताकि आगे अगर क्योंकि जुर्माना रख दिया जाता है तो उस वजह से लोग बचते हैं और फिर इस तरीके की हरकत करने से बचते हैं। तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जिस तरीके से निर्देश दिए, क्योंकि पिछली बार का जो रिकॉर्ड है वो कोरोना को लेके सब बहुत ही भयावह रहा है, इस वजह से लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि इस बार वो निर्देश का पूरी तरीके से पालन करेंगे। श्वेता, आस्था के आगे लोग लापरवाह दिख रहे हैं और लगातार लोग मांग भी कर रहे थे कि नहीं, स्नान को अनुमति मिले, तो क्या अपनी जान से ज्यादा लोगों को आस्था प्यारी है? देखिए, आस्था की अगर बात करते हैं, देखिए आस्था प्यारी तो सभी को होती है, क्योंकि वो जो त्योहार होते हैं वो सालाना में एक ही बार आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जान भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि जो पिछले आंकड़े हम अगर देख सकते हैं तो पिछले आंकड़ों में मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा रहा है, तो उसकी वजह से लोगों में भय भी बना हुआ है। तो जहां तक उम्मीद है कि वो अभी जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं उस निर्देशों का पालन करेंगे, ताकि जो पिछले बार के जो आंकड़े रहे हैं उस तरीके का देखने को ना मिले, और जो कंडीशन बढ़ती जा रही है वो कंडीशन दोबारा से इस तरीके से ना आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं सहयोगी श्वेता जुड़ी थी, तो बड़ी खबर सामने
सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को भी निर्देश दिए हैं, कोरोना को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। सीएम ने विशेष सावधानी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर स्नान पर्व को लेकर अपील भी की है जनता से, बुखार जुकाम वाले श्रद्धालु आयोजन में शामिल न हो, सीएम ने अपील की है। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बसपा ने 5 विधानसभा के प्रत्याशी घोषित किए। जगवीर चौधरी मथुरा वृंदावन के प्रत्याशी, मलदेव से अशोक सुमन को बसपा ने प्रत्याशी बनाया। मांड से विधायक श्याम सुंदर शर्मा प्रत्याशी घोषित किए गए। बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से, जहां घोषणा कर दी गई है, बसपा ने 5 विधानसभा के प्रत्याशी घोषित किए हैं। जगवीर चौधरी मथुरा वृंदावन के प्रत्याशी, बलदेव से अशोक सुमन को बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया। मांड से विधायक श्याम सुंदर शर्मा प्रत्याशी घोषित किए गए। बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से, जहां बसपा ने अपने 5 विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 5 विधायकों का विधानसभा से अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। जगवीर चौधरी मथुरा वृंदावन से, बलदेव से अशोक सुमन बसपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। मांड से विधायक श्याम सुंदर शर्मा प्रत्याशी घोषित किए गए। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।